महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के अवसर पर सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में पुरस्कार और परितोषित समारोह के अवसर पर दिए कुल 750 पुरस्कार दिए गए, जिससे प्रमुख पुरस्कारों में श्री गोरखनाथ स्वर्ण पदक पुरस्कार महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल दूसर गोरखपुर को श्रेष्ठतम शिक्षक का, योगी राज बाबा गंभीर नाथ स्वर्ण पदक डॉक्टर नीरज कुमार सिंह, दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर को स्नातकोत्तर कक्षाओं में श्रेष्ठतम विद्यार्थी का, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्वर्ण पदक दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर की एम कॉम प्रथम वर्ष की छात्रा करिश्मा वारसी को, स्नातक कक्षाओं में श्रेष्ठतम विद्यार्थी का ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ स्वर्ण पदक महाराणा प्रताप महाविद्यालय रामदत्तपुर गोरखपुर की बीए तृतीय वर्ष की छात्रा श्रेया त्रिपाठी, माध्यमिक वर्ग के श्रेष्ठतम विद्यार्थी का महाराणा मेवाड़ स्वर्ण पदक महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन गोरखपुर के कक्षा 12 की छात्रा कृष्णा मणि त्रिपाठी को प्रदान किया गया। शोभा यात्रा एवं श्रेष्ठ पद संचालन का प्रथम पुरस्कार महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल धूसर गोरखपुर को, द्वितीय पुरस्कार दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर को, तृतीय पुरस्कार गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोरखनाथ गोरखपुर को तथा प्रोत्साहन पुरस्कार महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सिविल लाइन गोरखपुर को एवं महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगला देवी मंदिरा बितियाहाता गोरखपुर को प्रदान किया गया, जिसमें प्रमुख 11 पुरस्कारों को राष्ट्रपति के हाथों दिया गया। शेष पुरस्कारों को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओंकार सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह तथा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम से किया गया। पुरस्कार वितरण के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह ने बताया। दो लाइन लगवाइए, दो लाइन यहीं से। सेवन थर्टी जिसमें 11 पुरस्कार तो राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया और शेष जो है यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी आर पी शाही किस तरह के ये बच्चे जो है
अपने समस्त संस्थाएं जो संचालित सेवाई संस्थाएं हैं और इसके अलावा हमारे सहयोगी संस्थाएं हैं, शिक्षा परिषद द्वारा नहीं है लेकिन हमारे हर कार्य भाग लेते हैं, सब मिलाकर के लगभग 50 संस्थाओं के छात्र थे और इनके हर तरह का पुरस्कार के योग्यता खेलकूद संस्कारगत जो कार्यक्रम होते हैं कुछ प्रतियोगिताएँ होती हैं, खेलकूद एक बड़े व्यापक क्षेत्र में हम लोग करते हैं। और एक संदेश मैं और देना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रपति जी का उद्बोधन बहुत ही प्रेरक था और उन्होंने हम लोग को निर्देश दिया है कि गोरखपुर को ज्ञान की सिटी बनाया जाए, सिटी ऑफ नॉलेज बनाया जाए और यह सौभाग्यवश दोनों कुलपति यहाँ मौजूद थे जो हैं गोरखपुर में हैं, वह उनके लिए भी यह निर्देश था। राष्ट्रपति जो कुछ कहता है वो निर्देश होते हैं, वो हमारे लिए होता है। नारी शक्ति बनाने में मेरा प्राथमिक शिक्षा परिषद केंद्र बिंदु बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा, फोकल पॉइंट बनेगा, मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ।